डबल डोर फ्रीज। आज गट्टू चिंकी के घर में नया डबल डोर फ्रीज आया था। चिंकी, देखो हमारा नया फ्रिज कितना बड़ा है, इसके अंदर तो हम कितने सारे चॉकलेट्स रख सकते हैं ना। हाँ गट्टू, ये तो सच में बहुत बड़ा है। फ्रिज डिलीवर करने आए अंकल फ्रिज को किचन में सेट कर देते हैं। फिर गट्टू ध्यान से फ्रिज सेट करने वाले अंकल को देखने लगता है और वहीं पड़े हैमर से खेलने लगता है। अरे गट्टू, ये तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें इससे चोट लग जाएगी। चिंकी देखो ना, अंकल कैसे अपने टूल से फ्रिज को सेट कर रहे हैं। मुझे भी मन कर रहा है ऐसे टूल्स यूज करने का। नहीं नहीं गट्टू, हम इन टूल्स को यूज नहीं कर सकते, ये सेफ नहीं है। गट्टू ये सुनकर उदास हो जाता है। अरे तुम ऐसे उदास मत हो गट्टू, मेरे पास एक आइडिया है। चिंकी भाग कर जाती है और अंदर से अपना वुडन प्रिटेंड प्ले टूल किट सेट ले आती है। याद है गट्टू, मम्मी ने हमारे लिए पुंटून किट से ऑर्डर किया था, इसमें कितने सारे टूल्स हैं। अब हम इसे आराम से खेल सकते हैं और ये सेफ भी है। हाँ चिंकी, ये तो बहुत लाइट वेट और कलरफुल भी है, चलो इससे मिलकर खेलते हैं। फिर गट्टू और चिंकी अपने वुडन टूल से खेलने लगते हैं। मुझे याद आया, बंटी को भी ये टूल बॉक्स चाहिए था। अरे तो तुम उसे बोलो ना कि वो www.puntoonkids.com से ऑर्डर कर ले। गट्टू चिंकी बार बार फ्रीज को खोलकर देखने लगते हैं। गट्टू फ्रीज का एक डो खोलता है और चिंकी दूसरा। चिंकी ये तो अंदर से भी बहुत बड़ा है, देखो तो जरा। हाँ गट्टू, और देखो तो इसमें कितने सारे अलग अलग कंपार्टमेंट्स हैं। इसमें स्नैक्स और फ्रूट्स रखने में कितना मजा आएगा ना। बच्चों अब तुम लोग फ्रिज को बंद करो और इधर आकर मेरी हेल्प करो। गट्टू जिनकी मम्मी के पास जाते हैं और देखते हैं कि मम्मी के पास बहुत सारे कार्डबोर्ड के बॉक्सेस रखे हुए थे और उनके अंदर फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, स्नैक्स और ऐसी कई चीजें रखी हुई थी। मम्मी ये सब क्या है? बच्चों जब तुम दोनों स्कूल गए थे ना, तब मुझे पुराने फ्रिज का सामान निकाल कर अलग अलग रखना था, तो मैंने कार्डबोर्ड के कुछ बॉक्सेस लिए और उनमें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और पैकेजेस फूड लिख कर चीजों को उसी हिसाब से बॉक्सेस में रख दिया। और यही नहीं, इसमें मुझे ये पता चला कि हमारे फ्रिज में कितना एक्सपायर्ड सामान भी रखा हुआ था। मैं समझ गई मम्मी, अब हमें इस फ्रेश खाने पीने की चीजों को नए फ्रिज के अंदर रखना है ना? हाँ चिंकी, चलो शुरू करते हैं अब। तभी मेन डोर खुलने की आवाज आती है और पापा खूब सारे नए स्नैक्स और फ्रूट्स लेकर किचन में आ जाते हैं। बच्चों देखो मैं नए फ्रिज के लिए क्या क्या सामान लेकर आया हूँ। अरे ये क्या, पापा तो और भी सामान ले आए। हाँ गट्टू, पर चिंता की क्या बात, हमारे फ्रिज में तो डबल डोर है, वो तो इतना बड़ा है, उसमें तो सब कुछ आ जाएगा। चलो अब हम ये सामान फ्रिज में रखना शुरू करते हैं, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। हाँ मैं भी। गट्टू चिंकी पापा और मम्मी मिलकर सामान को फ्रिज में सेट करने लगते हैं। तभी चिंकी को पापा के लाए सामान में होममेड आइसक्रीम मिक्स का बॉक्स दिखता है। अरे पापा ये क्या, क्या इसके अंदर आइसक्रीम है? पर ये तो ठंडी है ही नहीं। नहीं नहीं चिंकी, ये तो आइसक्रीम मिक्स है, वो भी तुम्हारा फेवरेट चॉकलेट फ्लेवर। यानी कि इस बॉक्स के अंदर कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जिससे हम घर में ही टेस्टी आइसक्रीम बना सकते हैं, वो भी बिना ज्यादा मेहनत के। मैंने सोचा नया फ्रिज आने की खुशी में क्यों ना हम सब मिलकर आइसक्रीम बनाए और खाए। अरे वाह पापा, तो इसकी हेल्प से हम लोग घर पर ही आइसक्रीम बना सकते हैं, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है। मम्मी चलो ना पहले आइसक्रीम बनाकर फ्रिज में रख देते हैं, ताकि जब तक सब काम खत्म हो हमारी आइसक्रीम भी एकदम ठंडी ठंडी हो जाए। ओके तो मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना मैं और गट्टू फ्रिज को ऑर्गेनाइज कर ले और तब तक चिंकी और मम्मी मिलके आइसक्रीम रेडी करके फ्रिज में रख देगी, इससे हमारा काम भी जल्दी खत्म हो जाएगा। हाँ ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है पापा, यही करते हैं। फिर सब अपने अपने काम में लग जाते हैं। गट्टू ये लो, मैंने ये वाटर बॉटल्स भर दी है, इन्हें फ्रिज के अंदर उस शेल्फ में रख दो। ओके पापा। पापा और इन फ्रूट्स का क्या करना है? इन्हें सबसे नीचे रखना है और तुम्हारी और चिंकी के चॉकलेट्स को ऊपर फ्रीजर में रख दो। हाँ ओके पापा। उधर से मम्मी आइसक्रीम रेडी करते हुए कहती है
और चॉकलेट्स को रखते वक्त उन्हें खुद ही मत खा लेना गट्टू। हाँ मम्मी ठीक है, मैं नहीं खा रहा। चिंकी देखो, अब हम इस मिल्क में अपना आइसक्रीम मिक्स डालेंगे और इसे बॉईल करेंगे। उसके बाद इसमें थोड़ा ठंडा होने पर हम इसको फ्रीजर में रख देंगे और हमारी टेस्टी आइसक्रीम रेडी हो जाएगी। मम्मी ये तो बहुत इजी था। सब लोग काम में बिजी हो जाते हैं और थोड़ी ही देर में सारा काम भी फिनिश हो जाता है। पापा और गट्टू मिलकर फ्रीज में सब सामान अरेंज कर देते हैं और चिंकी मम्मी मिलकर आइसक्रीम को ठंडा होने के लिए फ्रीज में रख देते हैं। अरे वाह, सब काम तो यूं ही झटपट हो गया। नहीं मम्मी, अभी एक कमी है। वो क्या गट्टू? अभी बताता हूँ मम्मी। गट्टू दौड़ कर जाता है और अपने कमरे से कुछ स्टिकर्स लेकर किचन में आ जाता है। अरे गट्टू, ये तो वही स्टिकर्स है ना जो हमें फ्री में मिले थे हमारी स्क्रैप बुक्स के साथ। हाँ चिंकी, देखो ना ये कितने अच्छे हैं। मम्मी क्या हम इन्हें फ्रिज पर लगा सकते हैं? अरे हाँ हाँ गट्टू, क्यों नहीं, बिल्कुल तुम इन स्टिकर्स को फ्रिज पर लगा सकते हो। गट्टू चिंकी मिलकर नए फ्रिज पर स्टिकर्स लगाते हैं। तभी चिंकी को एक और आइडिया आता है। वो अपने रूम में जाती है और एक पेपर क्लिप और एक कलर्ड पेपर लेकर किचन में आ जाती है। चिंकी तुम इसका क्या करोगी? गट्टू मैं इस पेपर पर एक अच्छा सा कोट लिखूंगी और इसे इस कार्टून वाली पेपर क्लिप की हेल्प से फ्रिज पर लगा दूंगी। उसके बाद फ्रिज और अच्छा लगेगा। गुड आइडिया चिंकी, पर तुम इस पेपर पर कौन सा कोट लिखोगी? वो तो अभी पता चल जाएगा पापा, बस 2 मिनट। सब चिंकी को लिखते हुए देखते हैं। चिंकी उस कलर्ड पेपर पर अच्छी हैंडराइटिंग में लिखती है, मील्स एंड मेमोरीज आर मेड हियर। वाओ चिंकी, ये तो बहुत ही अच्छा लिखा तुमने। हाँ चिंकी, अब तुम इसे फ्रिज में लगा दो। चिंकी फ्रिज पर पेपर क्लिप की हेल्प से कोट को लगा देती है। पहले तो हमारा नया फ्रिज कुछ कम अच्छा लग रहा था, पर अब तुम लोगों की क्रिएटिविटी के बाद ये फ्रिज सचमुच में एकदम अच्छा दिखने लगा। कमाल है। बिल्कुल सही कहा आपने, हमारे गट्टू चिंकी हैं ही इतने टैलेंटेड। सब लोग लिविंग रूम में बैठ जाते हैं और टीवी देखते हुए रेस्ट करने लगते हैं और थोड़ी देर में आइसक्रीम भी ठंडी ठंडी बनकर रेडी हो जाती है। चलो अब सब लोग, आइसक्रीम रेडी है, अब सब मिलकर आइसक्रीम खाएंगे। वाह मम्मी, इतना सारा काम करने के बाद इतनी टेस्टी आइसक्रीम खाने का तो मजा ही कुछ और है। हाँ मम्मी, और सचमुच में ये आइसक्रीम भी कितनी टेस्टी बनी है। कुछ भी कहो, साथ मिलकर काम करने से सब जल्दी भी हो जाता है और मजा भी बहुत आता है। हाँ ये तो सच कहा आपने। इसके बाद सब साथ में आइसक्रीम के मजे उठाते हैं। हमारी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।